वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल द वॉल्यूम ऑफ 5.74 ग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब. सो कैलकुलेट इट्स डेंसिटी अप टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये लास्ट न्यूमेरिकल है आपके चैप्टर का. बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं, तो पहले गिवन वैल्यू देख लेते हैं. बेटा गिवन क्या क्या है आपको, सॉल्यूशन करते हैं इसका. गिवन वैल्यू देखिए, आपको गिवन है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या मास दे रखा है बेटा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 5.74 ग्राम. मास आपके पास गिवन है, और क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम आपके पास दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये वॉल्यूम है. तो आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है डेंसिटी. क्लियर, हमने फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको एक्सप्लेन किया था. तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर, सबसे पहले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 2 हैं. तो जो आंसर आएगा बताओ किस में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए. आंसर आएगा जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है. मिनिमम 2 है या 3 है, 2 है. तो आंसर आएगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो मास की वैल्यू आपके पास है, मास आपके पास है 5.74 अपॉन वॉल्यूम है 1.2. ठीक है, अब इसको ये आपके पास इसकी यूनिट लिख दीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आपके पास आता है जब इसका डिवाइड करेंगे. डिवाइड आपको करके देखना है घर पे. मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4.7833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जो समझने की बात यह है, डिवाइड तो आप कर लेंगे घर पे. समझने की बात यह है यहाँ पे कि हमारा जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहा है. और हमें कितने में लेके आना है इसको, हमें लेके आना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो 2 में लेके आना है, तो इस जो ये वैल्यू है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें राउंड ऑफ करना होगा. राउंडिंग ऑफ कर दीजिए इसका. तो देखिए इसकी बेस वैल्यू कितनी है बेटा, 1000 का हाफ होगा 500. ठीक है, 500 से अगर ये वैल्यू मोर देन है तो यहाँ 1 राइज कर देंगे, और अगर लेस देन है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे. तो बताओ कि यहाँ पे 833 जो है वो 500 से मोर देन है, मोर देन है तो यहाँ पे 1 राइज कर देंगे. 1 राइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर. ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है बेटा, 2. और हमें आंसर भी 2 में ही कैलकुलेट करना था. और ये आ गया आपके पास डेंसिटी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, चाहते तो हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आंसर क्यों नहीं छोड़ते, इसका रीजन समझ में आया, राउंडिंग ऑफ का रीजन समझ में आया. सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत वैल्यू है इनकी. जो वैल्यू आपको गिवन है वो जिस जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, आंसर भी उन्हीं के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होके आता है. क्लियर है ना. ठीक है, समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं आप. आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास. जो हमारा वीडियो आरसीआई का उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच.